हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने सहारनपुर जी सब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने हिमालय के निर्माण और उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात की थी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने बात की थी कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, और हमने आपको बताया था कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट जब दोनों एक दूसरे की ओर अभिसारी संचलन, पिछली क्लास के अंतर्गत मैंने आपको समझाया था कि अभिसारी संचलन क्या होता है, जब दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर अभिसारी संचलन कर रही होती तो दोनों प्लेट आपस में टकराने के फलस्वरूप एक विशाल पर्वत का निर्माण हुआ था, जिसका नाम क्या था? हमारा हिमालय पर्वत। उसके बाद मैंने बताया था हिमालय पर्वत की विशेषताएं, कि हिमालय पर्वत की विशेषताएं मैंने बताई थी कि हिमालय नवीन मोड़दार वलित पर्वत है। नवीन का मतलब मैंने बताया था नया है, वलित का मतलब है निर्माण चल रहा है, पर्वत है हिमालय नवीन मोड़दार पर्वत है, यानी कि हिमालय पर्वतों की क्या है? हमारी श्रृंखला है। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि हिमालय में निर्माण की प्रक्रिया अभी भी क्या जारी है, यानी कि हिमालय में संचलन अभी भी जारी है। जब हिमालय में संचलन अभी जारी है तो इसी कारण से हिमालय में भूकंप की घटनाएं क्या होती है? अधिक घटित होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हमारी हिमालय है, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी कहां पर स्थित है? हमारी हिमालय में है। कौन सी? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है। कितनी लंबी है? यदि हम इसका एवरेज निकाल लें तो लगभग 2500 किलोमीटर की क्या है? एक श्रृंखला है। अब आज की क्लास में हम क्या करते हैं? हिमालय का वर्गीकरण करते हैं कि हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां पाई जाती हैं, क्योंकि हिमालय क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है, उसके अंदर श्रेणी है और श्रेणियों में ही क्या है? पर्वत है। हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसके अंदर क्या है? चार श्रेणियां पढ़ेंगे हम, और उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? पर्वत पढ़ेंगे कि हिमालय में कौन कौन से पर्वत है। तो हिमालय में जो सबसे पहली श्रेणी आती है वर्गीकरण के अंतर्गत, तो वो आती है हमारी ट्रोन्स हिमालय। कौन सी श्रेणी आती है सबसे उत्तर में? ट्रोन्स हिमालय से। नंबर दो पे आती है हमारी वरद हिमालय। कौन सी? वरद हिमालय। नंबर तीन पे आती है हमारी लघु हिमालय। और नंबर चार पे आती है हमारी शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय के बाद हमारे क्या होते हैं? मैदानी भाग शुरू हो जाते हैं। तो नंबर पांच पे आता हमारा मैदानी भाग। क्या आता है? मैदानी भाग। इस प्रकार से देखो, सबसे उत्तर में जो हमारी श्रेणी है, ये सबसे उत्तर में जो हमारी श्रेणी है वो कौन सी है? हिमालय। हिमालय की कौन सी श्रेणी है? ये रही, ये हमारा ट्रोन्स हिमालय है, यानी कि जो ट्रोन्स हिमालय है हमारा चार भागों में विभाजित है। कितने भागों में? चार। ये क्या है? हमारा ट्रोन्स हिमालय। इसके बाद जो हमारा शुरू होता है वो होता है हमारा वरद हिमालय, नागा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक, तिब्बत तक। ये हमारा कौन सी श्रेणी है? वरद हिमालय। वरद हिमालय के बाद आती है हमारी लघु हिमालय। इस प्रकार से ये चार श्रेणियों में, यानी कि चार भागों में क्या बटी हुई है, इसे क्या कहते हैं हम? लघु हिमालय। और लघु हिमालय के बाद जो हमारी चौथी श्रेणी आती है वो इस प्रकार से आती है हमारी असम तक फैली है, पाकिस्तान के पेशावर से लेकर असम तक जो फैली हुई है, ये क्या हमारी? शिवालिक हिमालय। और इसके दक्षिण में, शिवालिक के दक्षिण में हमारे क्या शुरू होते हैं? यहाँ से ये हमारा मैदानी भाग, क्योंकि इसे बोलते हैं हम गंगा यमुना का मैदान या गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। सबसे पहली क्लास में जब हम भौतिक विभाजन कर रहे थे, हमने सारी आकृति बताई थी कि कौन कौन सी आकृति हमारी कहां पर है। देखो, ये तो हमारा ट्रोन्स हिमालय, ये हमारा वरद हिमालय, ये थी हमारी लघु हिमालय की श्रेणी, ये हमारी क्या है? शिवालिक श्रेणी, और ये हमारा क्या? मैदानी भाग। ये चार श्रेणियां आती हैं, इन चारों श्रेणियों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? हिमालय। इसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि ये उत्तर में ट्रोन्स हिमालय और ये वरद हिमालय? तो इनके मध्य एक काल्पनिक रेखा खींची हुई है हमारे भूवैज्ञानिकों ने, जिससे हमें पता चलता है कि उस रेखा से उत्तर में ट्रोन्स हिमालय और उस रेखा के दक्षिण में क्या है? वरद हिमालय। तो इसी प्रकार जो हमारा ट्रोन्स हिमालय है और वरद हिमालय है, देखो इस प्रकार से,
ये तो हमारा ट्रोन्स हिमालय हो गया, इसके बाद हमारा कौन सा वरद हिमालय, ये हमारा लघु हिमालय, और ये हमारा शिवालिक हिमालय, इसके बाद ये हमारा मैदानी भाग। ये हो गया क्या हमारा मैदानी भाग। तो ये हमारे जो ट्रोन्स हिमालय है और वरद हिमालय, इनके मध्य इस प्रकार से एक काल्पनिक रेखा है जो ट्रोन्स हिमालय को क्या करती है, वरद हिमालय से अलग करती है। तो उस रेखा का नाम है हमारा ITSZ। क्या नाम है हमारा? ITSZ, या इसको बोलते हैं एक नाम से और बोलते हैं इसको हिज लाइन, यानी कि ये जो ITSZ है या जो हिज लाइन है, ये क्या करती है, ट्रोन्स हिमालय को वरद हिमालय से क्या करती है, अलग करती है। आई का मतलब होता है इंडस, टी का मतलब है सांगपो, एस का मतलब है स्ट्रक्चर जोन, इंडस सांगपो स्ट्रक्चर जोन, या इसको बोलते हैं हिज लाइन। यानी कि इस लाइन से हमें पता चलता है कि इस लाइन के उत्तर में ट्रोन्स हिमालय और इस लाइन के दक्षिण में हमारा कौन सा है, वरद हिमालय। इसी प्रकार वरद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य भी कोई ना कोई एक ऐसी काल्पनिक रेखा होगी जहां से हमें पता चलेगा कि इस रेखा के उत्तर में, इस प्रकार से इस रेखा के उत्तर में वरद हिमालय और इस रेखा के दक्षिण में क्या है हमारा लघु हिमालय। तो इनके मध्य हमारी MCT, जिसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि एमसीटी किन दो पर्वत श्रेणी के मध्य है, तो वरद हिमालय और लघु हिमालय। जिस पर इसी प्रकार से वरद लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को भी तो कोई ना कोई एक ऐसी लाइन होगी जो क्या करती होगी, अलग करती होगी। तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय इन दोनों को जो अलग करती है वो कौन सी लाइन है हमारी, वो है MBF, इसको बोलते हैं मेन बाउंड्री फोर्स। मेन बाउंड्री फोर्स, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि यहां से क्वेश्चन बनता कैसे है। और शिवालिक हिमालय, शिवालिक, अब हमें कैसे पता चलेगा कि शिवालिक हिमालय ये मैदानी भाग है, तो इनको भी तो एक काल्पनिक रेखा ऐसी होगी जो क्या करती होगी, दोनों को अलग करती होगी। तो शिवालिक हिमालय और जो मैदानी भाग है इनको अलग करती है HFF, हिमालय फ्रंट फोर्ट, हिमालय फ्रंट फोर्ट। देखो अब आप कहोगे सर ये क्या बता दिया, देखो उत्तर में कौन सा है ट्रोन्स हिमालय और वरद हिमालय, इनको कोई ना कोई संरचना ऐसी होगी ना जो दोनों को क्या कर रही होगी, अलग कर रही होगी। तो इनको अलग करने वाली संरचना कौन सी है, ITSZ या हिज लाइन। फिर ये होगा वरद हिमालय और लघु हिमालय। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक वरद हिमालय एक लघु हिमालय, तो इनके मध्य एक रेखा है, काल्पनिक रेखा है, जिसे बोलते हैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। यानी कि हमें पता चलता है कि यहाँ से वरद हिमालय शुरू होता है और यहाँ से लघु हिमालय शुरू होता है, तो वो रेखा कौन सी है, MCT। और लघु हिमालय शिवालिक हिमालय के मध्य कौन सी है, MBF, मेन बाउंड्री फोर्स। इसी प्रकार से शिवालिक हिमालय और मैदानी भाग को अलग करने वाली रेखा कौन सी है, हिमालय फ्रंट फोर्ट। इसको हम एक और चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखो ये तो रहा, देखो हिमालय पर्वत के उत्तर में एक पठार है जिसको बोलते हैं तिब्बत का पठार। हिमालय पर्वत यानी कि चीन में एक पठार है तिब्बत का पठार। तो ये तो हो गया हमारा क्या, तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार के बाद क्या है हमारा, ट्रोन्स हिमालय। ट्रोन्स हिमालय के बाद मैंने आपको कौन सी संरचना बताई, वरद हिमालय। वरद हिमालय के बाद है हमारा लघु हिमालय, और लघु हिमालय के बाद है हमारा शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय के बाद हमारा कौन सा भाग शुरू होता है,
मैदानी भाग, यानी कि गंगा यमुना का क्या है हम पढ़ेंगे आगे जाके, गंगा यमुना का मैदान। तो देखो यहीं से क्लियर होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला पर्वत वरद हिमालय और ये वाला पर्वत कौन सी हिमालय। तो हमने आपको बताया था इन दोनों के मध्य एक रेखा है, काल्पनिक रेखा, जिसको बोलते हैं आई टी एस जेड या हिज लाइन। और वरद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य कौन सी रेखा है, एम सी टी, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसी प्रकार लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य कौन सी रेखा थी हमारी, एम बी एफ, मेन बाउंड्री फोर्स। और शिवालिक हिमालय और मैदानी भाग इन दोनों के मध्य कौन सी रेखा है, एच एफ एफ। ये इस प्रकार से ये रेखाएं हैं काल्पनिक, जो शिवालिक दो श्रेणी को क्या करते हैं, अलग करते हैं। आपसे इसी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा कि हिमालय की श्रेणी को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाओ, तो सबसे उत्तर में कौन है, ट्रोन्स, सबसे दक्षिण में कौन है, शिवालिक। तो ये वाला जो क्रम है हमारा, ट्रोन्स हिमालय, वरद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, मैदानी भाग, ये वाली दिशा होगी हमारी उत्तर दिशा और ये वाली दिशा होगी हमारी दक्षिणी दिशा। तो ये जो उत्तर से कभी आपसे दे दिया कि मिलान कीजिए हिमालय की श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, तो सबसे उत्तर में ट्रोन्स, सबसे दक्षिण में शिवालिक। यदि पूछ लिया कि दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम, तो दक्षिण में कौन है हमारी, शिवालिक, शिवालिक के उत्तर में लघु, लघु के उत्तर में वरद, वरद के उत्तर में ट्रोन्स हिमालय। तो कभी कभी क्या कर ले एग्जामिनर क्या करता है आपसे, उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर क्या पूछता है आपसे, क्रम पूछता है। देखो उत्तर में ट्रोन्स, वरद, लघु, शिवालिक, उसके बाद मैदानी भाग। या आपसे पूछ लेगा इस प्रकार से दे देगा, पहला ऑप्शन दे दिया ट्रोन्स हिमालय, दूसरा ऑप्शन दे देगा एमसीटी, क्या देगा एमसीटी, तीसरा दे देगा लघु हिमालय, चौथा ऑप्शन दे देगा आपको एचएफएफ। वो कहेगा कि निम्नलिखित श्रेणियों को या निम्नलिखित संरचना, निम्नलिखित को उनके क्रम के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर लगाओ, इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या होगा। तो देखो सबसे उत्तर में मैंने बताया आपको ट्रोन्स हिमालय, तो नंबर एक पे कौन हो गया, ट्रोन्स हिमालय। ट्रोन्स हिमालय के बाद हमारा क्या आता है, वरद हिमालय, वरद हिमालय है नहीं, फिर दिया उसने लघु हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय से पहले एक संरचना आ रही कौन सी, देखो नंबर एक पे ट्रोन्स, नंबर दो पे आई टी एज, नंबर तीन पे वरद, नंबर चार पे एम सी टी, नंबर पांच पे हमारा लघु हिमालय, नंबर छह पे आ गया एम बी एफ, नंबर सात पे शिवालिक, नंबर आठ पे एच एफ, नंबर नौ पे ये हो गया। तो इसके अनुसार क्रम लगाना, तो नंबर इसके अनुसार नंबर एक पे तो हिमालय हो गया, फिर एम सी टी, नंबर दो पे एम सी टी हो गया, नंबर तीन पे हमारा क्या होगा लघु हिमालय, और नंबर चार पे हो गया हमारा। इसके हिसाब से उत्तर से दक्षिण आपसे इसी प्रकार से दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम पूछेगा या उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछेगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि हिमालय का वर्गीकरण में हमने चार श्रेणियां आपको बताई कौन कौन सी है, उनकी व्याख्या अब हम करते हैं कि देखते हैं कि ट्रोन्स हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां आती है, फिर वरद हिमालय के अंतर्गत देखेंगे कौन कौन से श्रेणी या पर्वत आ रहे हैं। इस प्रकार से सबसे हम पहले बात करते हैं किसकी, ट्रोन्स हिमालय की, कि ट्रोन्स हिमालय के अंतर्गत सबसे पहला पर्वत कौन सा है हमारा, ट्रोन्स हिमालय। हमें क्या है, हमें पता है इस ट्रोन्स हिमालय का उत्तर में क्या है, तिब्बत पास होने के कारण इसे तिब्बती हिमालय, और देखो सबसे दक्षिण में कौन है, शिवालिक, शिवालिक के उत्तर में, शिवालिक को पार करके कहा जाएंगे हम लघु में, लघु को पार करके वरद में, वरद को पार करके कहा जाएंगे ट्रोन्स में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पार हिमालय, क्या बोलते हैं, पार हिमालय। इन चार नामों से क्या हम इसको जाना जाता है, किसको, ट्रोन्स हिमालय को। इस ट्रोन्स हिमालय के अंतर्गत हमारी तीन श्रेणी आती है, कौन कौन सी, नंबर वन पे आती है काराकोरम, काराकोरम,
दूसरी आती है हमारी लद्दाख श्रेणी, तीसरी आती है हमारी जास्कर श्रेणी, एक श्रेणी और आती है ये आपको इस प्रकार से दिख रही होगी, इसका नाम है कैलाश श्रेणी, लेकिन ये तिब्बत में होने के कारण इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कभी आपसे पूछ लिया कि पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाओ, तो नंबर एक पे क्या है हमारा, ये काराकोरम, लद्दाख और सबसे उत्तर में कौन होगी हमारी, काराकोरम सबसे उत्तर में, सबसे उत्तर में कौन सी हमारी काराकोरम। और इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो हमारा है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, इन तीनों श्रेणी का जो विस्तार है वो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, तो आपको ध्यान रखना है इनका विस्तार है हमारे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में या लद्दाख राज्य में। ये तीनों श्रेणी कहां पे है हमारी, लद्दाख में। कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। आपसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के मध्य बहती है, सिंधु नदी किन दो श्रेणी या किन दो पर्वतों के मध्य बहती है। तो देखो ये हमारा यहाँ एक, जब हम नदियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ पे एक तिब्बत मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी, वो इस प्रकार से बहती है। कौन सी नदी है हमारी, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी किन दो श्रेणी के मध्य बह रही है, देखो ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर से मध्य से कौन सी नदी बह रही थी हमारी, सिंधु नदी। और इसी प्रकार काराकोरम और लद्दाख के मध्य से भी एक नदी बहती है जो सिंधु की सहायक नदी है, इसका नाम है शियोंग नदी। कौन सी नदी, शियोंग नदी, शियोंग नहीं शियोक, शियोक, क्या क्या नाम है, शियोंग नदी। तो पूछ लिया कि लद्दाख सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के मध्य बहती है हमारी, तो किन दो श्रेणियों के मध्य है सिंधु नदी, लद्दाख और जास्कर। और सियोग नदी किन दो श्रेणियों के मध्य, लद्दाख और काराकोरम। इस काराकोरम श्रेणी में एक चोटी स्थित है जिसका नाम है माउंट केटू, माउंट केटू, या इसी को बोलते हैं गोडविन होस्टिज, गोडविन होस्टिज, यानी कि गोडविन होस्टिज। ये किस श्रेणी में स्थित है, काराकोरम श्रेणी में कौन सी चोटी स्थित है, माउंट केटू या गोडविन पोस्टी। इसकी जो लंबाई है, नहीं लंबाई नहीं, जिसकी उसकी ऊंचाई है वो है 8611 मीटर। कितनी है इसकी ऊंचाई, 8611 किलोमीटर। किसकी लंबाई ऊंचाई है, केटू यानी कि गोडविन पोस्टीज। ये क्या है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है ये, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है हमारी, माउंट केटू या गोडविन होस्टिज। किस राज्य में है हमारे, लद्दाख राज्य में है। यह भारत की तो सबसे ऊंची है तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये देखो ये विश्व की तो दूसरी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखो काराकोरम श्रेणी सबसे उत्तर में है, इस पे एक चोटी है माउंट केटू जिसका नाम है गोडविन होस्टिज, जो जिसकी सबसे ऊंचाई है जिसकी 8611 किलोमीटर, नहीं किलोमीटर नहीं, 8611 मीटर, जो भारत की तो सबसे ऊंची है तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची है। हमें पता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू, और भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद ये जो हमारी काराकोरम श्रेणी है, ये वाली, ये जो काराकोरम श्रेणी है ना, ये वाली, इस काराकोरम श्रेणी पर, काराकोरम श्रेणी पर हमारा ये वाली, ये जो काराकोरम श्रेणी है इस पर चार हिमनद पाए जाते हैं, यानी कि चार ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो
इस काराकोरम के श्रेणी पर जो हमारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, कौन कौन से ग्लेशियर है? मैंने आपको बताया था ग्लेशियर को बनने के लिए एक निश्चित ऊंचाई की आवश्यकता होती है, यानी कि एक निश्चित हिमरेखा होती है जिसकी ऊंचाई होती है 4500 मीटर, यानी कि जो पर्वत की ऊंचाई 4500 मीटर से अधिक होगी उन्हीं पर्वतों पर क्या पाए जाएंगे? हमारे ग्लेशियर पाए जाएंगे, क्योंकि एक हिमनद रेखा होती है। मैं आपको जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि ग्लेशियर का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि एक निश्चित उस पर ऊंचाई पर जाकर ही उन्हें क्या मिलता है, वो तापमान मिलता है जो ग्लेशियर का निर्माण कर पाए। तो काराकोरम श्रेणी की ऊंचाई देखो 4500 मीटर से ज्यादा है, कितनी है? 8611 मीटर है। तो यहां पर क्या पाए जाते हैं? चार ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक ग्लेशियर का नाम है हिस्पर, एक ग्लेशियर का नाम है हिस्पर, दूसरा ग्लेशियर का नाम है वाइफो, तो हमारे ग्लेशियर पाए जाते हैं चार। एक का नाम है हिस्पर, फिर एक वाइफो, एक वाल्टोर, एक सियाचिन ग्लेशियर। सपोज करो ये हमारी काराकोरम श्रेणी है, इस पर एक ग्लेशियर पाया जाएगा, यहां पर हिस्पर, दूसरा है वो, दूसरा ग्लेशियर है हमारा वाइफो, तीसरा ग्लेशियर है हमारा वाल्टोर, चौथा ग्लेशियर है हमारा सियाचिन। ये दिशा हमारी पश्चिम है और ये दिशा हमारी कौन सी है? पूर्व है। कभी आपसे पूछ लिया कि काराकोरम जो श्रेणी है उस पर ग्लेशियर का पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम, सबसे पश्चिम है हिस्पर और सबसे पूर्व है सियाचिन ग्लेशियर, ये रहा इसका पश्चिम से पूर्व की ओर ग्लेशियर क्रम। और कभी पूछ लिया कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, क्षेत्रफल में पूछ ले तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर, जो किस श्रेणी पर है? काराकोरम श्रेणी पर है। किस राज्य में है? लद्दाख राज्य में। इस सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, नुब्रा नदी। कौन सी नदी निकलती है सियाचिन ग्लेशियर से? नुब्रा नदी। यदि हमें सियाचिन जाना है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन और बनता है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी। यदि हमें सियाचिन ग्लेशियर जाना है तो हमें कौन सी नदी क्रॉस करके जाना पड़ेगा? नुब्रा नदी। तो ये तो था हमारा कौन सी श्रेणी? काराकोरम श्रेणी। इसके बाद बात करते हैं हम लद्दाख श्रेणी की। लद्दाख श्रेणी पर एक चोटी स्थित है हमारी, जिसका नाम है माउंट राकापोशी, माउंट राकापोशी। कौन सी चोटी स्थित है? माउंट राकापोशी। ये किस श्रेणी में है हमारी? लद्दाख श्रेणी की। यानी कि इसके बाद इसकी एक विशेषता है, ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। कैसी चोटी है हमारी? विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली और सबसे नकुली चोटी है। मतलब देखो, एक चोटी तो हमारी इस प्रकार से होगी, देखो ये भी चोटी है, और एक चोटी हमारी कैसी होगी? ऐसी होगी। ये क्या है देखो, इस पे तो हमारा, इसकी ढाल क्या है? कम है इस प्रकार से, लेकिन इसकी ढाल क्या है? एकदम से यदि आप यहां से आओगे तो डायरेक्ट यहां पहुंचोगे, लेकिन इसमें क्या है? थोड़ा सा घूम है। तो सबसे नकुली कौन सी होगी? ये वाली। तो इस वाली चोटी का उदाहरण है हमारा कौन सा? राकापोशी। तो सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली, या सबसे नकुली चोटी? तो विश्व की सबसे नकुली चोटी कौन सी है हमारी? राकापोशी। तो ये तो था हमारा ट्रोन्स हिमालय। इस ट्रोन्स हिमालय के अंतर्गत हमने पढ़ा ट्रोन्स हिमालय कहाँ पे स्थित है हमारा, इसका विस्तार किस राज्य में है? लद्दाख में। इसमें कितनी श्रेणियां पाई जा रही है हमारी? तीन श्रेणियां, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। जास्कर क्या है? सबसे उत्तरी श्रेणी है। सबसे उत्तर में कौन है? काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। तो इस काराकोरम पर एक चोटी स्थित है जिसका नाम है माउंट केटू।
क्या नाम है? माउंट केटू, जिसको कहते हैं गोडविन ओस्टिज। ये क्या भारत की सबसे ऊंची है? जब भारत की सबसे ऊंची है तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची है, क्योंकि हम बताओ विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। और दूसरी कौन सी होगी? हमारी केटू। इस काराकोरम श्रेणी पर ही 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं, कौन कौन से? हिस्पर, वाइफो, वाल्टोर, सियाचिन ग्लेशियर। यदि आपसे एग्जाम में पूछा कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल, या विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल, युद्ध का मतलब जहां पे युद्ध हुआ हो, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तो सियाचिन ग्लेशियर के आसपास ही हुआ था। जब पाकिस्तान की सेना ने सियाचिन ग्लेशियर को क्या कर लिया था? कब्जे में कर लिया था। तो भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत। जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत के तहत ही हमने क्या सियाचिन ग्लेशियर को छुड़ाया था। इस सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकली थी, कौन सा? नुब्रा नदी। पूछेगा कि नुब्रा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, तो किससे निकली? सियाचिन ग्लेशियर से। इसके बाद बात करते हैं लद्दाख श्रेणी की। लद्दाख श्रेणी की क्या विशेषता है? इस पे एक चोटी है जिसका नाम क्या है? माउंट राका पोसी, जो क्या है? विश्व की सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाली है, यानी कि इसकी ढाल एकदम से क्या खड़ी इस प्रकार से है, और सबसे नुकीली है। तो विश्व की सबसे नुकीली और तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? राका पोसी। किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश में? लद्दाख में। और इसके बाद आती है हमारी कौन सी श्रेणी? जास्कर श्रेणी। बस जास्कर श्रेणी के बारे में आपको इतना ध्यान रखना कि ट्रोन्स हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी कौन सी है हमारी? ट्रोन्स हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है हमारी? जास्कर। और लद्दाख और जास्कर के मध्य कौन सी नदी बह रही? सिंधु। और काराकोरम और लद्दाख के मध्य कौन सी नदी बह रही थी हमारी? श्योक नदी। और इस सिंधु नदी के किनारे कुछ शहर स्थित है, जैसे लद्दाख की राजधानी क्या है हमारी? ले। एक नाम सुना होगा आपने, कारगिल का युद्ध हुआ था, जब कारगिल का युद्ध, यानी कि जो कारगिल स्थल है ना, वो किसके किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। ले किस नदी किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। एक स्थान हो रहा है जिसका नाम है बटालिक, बटालिक। ये 4 शहर है जो सिंधु नदी के किनारे है, कौन कौन से? लद्दाख की राजधानी ले, कारगिल और बटाली। ये 4 स्थान कहां पर स्थित है हमारे? सिंधु नदी के तट पर। ये था हमारा। और इस काराकोरम श्रेणी का एक अन्य नाम हो रहा है, इस काराकोरम श्रेणी का एक अन्य नाम हो रहा है, इसको कहते हैं कृष्णगिरी पर्वत, कृष्णगिरी पर्वत। आपसे पूछ लिया कि कृष्णगिरी पर्वत किस पर्वत का अन्य नाम है, तो किसका नाम है? काराकोरम का। क्योंकि इसका नाम कृष्णगिरी क्यों पड़ा? आपने देखा होगा हिंदू धर्म में जो हमारे कृष्ण भगवान थे, उनके शरीर का रंग कैसा था? नीला रंग था ना। जब आप कभी घूमने जाओगे काराकोरम श्रेणी पर, तो आप इस पर्वत को देखोगे, तो आपको इस पर्वत का रंग भी कैसा देखने को मिलेगा? नीला मिलेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कृष्णगिरी पर्वत। यह था हमारा ट्रोन्स हिमालय। इसके बाद जो दूसरी श्रेणी आती है हमारी, कौन सी है? इसके बाद जो दूसरी श्रेणी है हमारी, वो आती है हमारी वरद हिमालय। दूसरी श्रेणी कौन सी है हमारी? वरद हिमालय। मैप में तो मैंने आपको दिखाई दिया था, रब कर दिया जो मैंने अभी, कि इस प्रकार से हमारी एक श्रेणी थी, इस प्रकार से। ये कौन सी है हमारी? वरद हिमालय। या इसका एक नाम और है जिसकी, इसको बोलते हैं वरद हिमालय का जो अन्य नाम है, वो बोलते हैं उच्च हिमालय या महान हिमालय। उच्च हिमालय या महान हिमालय, तो ये 3 नाम किस श्रेणी के हैं? ये एक ही श्रेणी के 3 नाम है, वरद हिमालय या उच्च हिमालय। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट इसी श्रेणी में स्थित है हमारी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? उच्च हिमालय या महान हिमालय। आपको ध्यान रखना है कि जो
बृहद हिमालय है या महान हिमालय या उच्च हिमालय है, इसके यहाँ पे एक जगह पड़ती है, मैंने आपको भी बताया था, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील कहाँ पे है ये जगह, तिब्बत में। इससे एक नदी निकलती है सिंधु नदी, और इससे एक नदी और निकलती है जिसका नाम है शांगपू नदी। कौन सी नदी, शांगपू या ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र का ही नाम है शांगपू। और एक नदी कौन सी निकली, सिंधु नदी। तो आपसे पूछेगा कि वरद हिमालय की सीमा का निर्धारण किन नदियों के द्वारा किया जाता है, तो वरद हिमालय की सीमा का निर्धारण पूर्व की दिशा में तो कौन सी नदी कर रही, ब्रह्मपुत्र नदी, और पश्चिम में कौन सी नदी कर रही, सिंधु नदी कर रही है। ठीक है, पूर्व में कौन सी नदी ने किया, ब्रह्मपुत्र नदी ने किया, और पश्चिम में की कौन सी नदी कर रही है, हमारी सिंधु नदी कर रही है। इसके उत्तर में एक पर्वत है यहाँ पे इसी प्रकार से, जहां से नदी ने यूटर्न लिया, और यहाँ पे भी एक पर्वत है तिब्बत में, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश दोनों की बाउंड्री पर, इसका नाम है नामचा बरवा, नामचा बरवा पर्वत। ये कहां पे, हमारा तिब्बत में, और इधर है हमारा नंगा पर्वत। तो नामचा बरवा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत से लेकर नंगा पर्वत तो के मध्य क्या हमारा वरद हिमालय, या वरद हिमालय के सबसे पश्चिम में कौन सा पर्वत है, नंगा पर्वत, पूर्व में कौन सा पर्वत है, हमारा नामचा बरवा। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि नंगा पर्वत हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है, तो किस श्रेणी में स्थित हमारा वरद हिमालय, और नामचा बरवा किस श्रेणी में, हमारा वरद हिमालय। ये हिमालय है, इसमें उत्तराखंड में कुछ चोटी है हमारी इस प्रकार से, एक का नाम है केदारनाथ, केदारनाथ, एक का नाम है बद्रीनाथ, एक का नाम है नंदा देवी, एक का नाम है त्रिशूल, क्या त्रिशूल। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी और त्रिशूल, ये पर्वत ये चोटी है जो ये किस श्रेणी में स्थित है हमारी, तो ये किस श्रेणी में स्थित है हमारी, वरद हिमालय या महान हिमालय या उच्च हिमालय। इस नंदा देवी के बारे में आपको ध्यान रखना, ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हमारी, नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7816 मीटर। कितनी है इसकी ऊंचाई, 8716 मीटर की है इसकी ऊंचाई है। और ये सारे के सारे पर्वत किस राज्य में है हमारे, ये सारे के सारे पर्वत स्थित है हमारे उत्तराखंड में। इसके बाद यहां नेपाल में कुछ से चोटी है हमारी, जैसे धौलागिरी, उसके बाद मकालू, मसालू, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा। कौन सी है हमारी, अन्नपूर्णा। तो धौलागिरी, मकालू, मसालू, अन्नपूर्णा और एवरेस्ट, ये सारी की सारी चोटी किस राज्य में है हमारी या किस देश में है, तो ये स्थित है हमारी नेपाल में। और हमें पता है एवरेस्ट क्या है, एवरेस्ट के बारे में आपको पता है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, चोटी कौन सी है हमारी, एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8848.50 मीटर। ये क्या है विश्व की यदि आपसे पूछे नेपाल की सबसे ऊंची चोटी या विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हमारी,
एवरेस्ट किस किस देश में है? नेपाल में। हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? हमारी वरद हिमालय। यहीं पे एक राज्य पड़ेगा भारत का जिसका नाम है सिक्किम। यह है भारत का एक राज्य जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम में एक चोटी है जिसका नाम है हमारा कंचनजंगा। कंचनजंगा, तो कंचनजंगा कहां से स्थित है हमारी? कंचनजंगा हमारी कहां से है? सिक्किम में। इसके बारे में ध्यान रखना, भारत में इस वरद हिमालय की, वरद हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, वरद हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। किस राज्य में? सिक्किम और नेपाल दोनों की बाउंड्री पर है, तो उसको मानते हम क्या? सिक्किम है। तो ये किस किस हिमालय में स्थित है हमारी? वरद हिमालय। ये था हमारा वरद हिमालय। देखो वरद हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य किसका विस्तार है? वरद हिमालय का, जिसकी पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी और पश्चिमी सीमा सिंधु नदी के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके पूर्व में नंगा पर्वत जो किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। और नामचा पर्वत कहां से? हमारी तिब्बत में है। किस हिमालय में? वरद हिमालय। वरद हिमालय के उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी और त्रिशूल चार चोटी है। किस हिमालय में? किस राज्य में? उत्तराखंड में। सबसे ऊंची चोटी उत्तराखंड की नंदा देवी। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि नंदा देवी चोटी हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है, तो किस श्रेणी में है? वरद हिमालय या उच्च हिमालय या महान हिमालय। अब समझ में आया ना आपको इसको उच्च हिमालय क्यों बोलते हैं? क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस हिमालय में स्थित है? वरद हिमालय में। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? वरद हिमालय। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की, नोट करके लिखना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी और इस दूसरा डालना हमारी भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी एक तरफ डालना विश्व की सबसे ऊंची चोटी, दूसरी तरफ डालना भारत की सबसे ऊंची चोटी। हमें पता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हमारी, तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है हमारी वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। दूसरी कौन सी है हमारी? माउंट केटू। तीसरी कौन सी है हमारी? तीसरी हमारी कंचनजंगा। ये क्या है? ये विश्व की तीन सबसे ऊंची चोटी हैं, माउंट एवरेस्ट, केटू और कंचन जंगा। माउंट एवरेस्ट, केटू, कंचन जंगा, ये क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। दूसरे नंबर पे हमें पता है कंचन जंगा भी कहां सी है? सिक्किम में। तो भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? कंचन जंगा। तीसरी आती है हमारी नंदा देवी, तीसरी आती है हमारी नंगा पर्वत। कंफ्यूजन नहीं होना, यदि विश्व के बारे में बात करेगा तो ये वाली याद रखनी, माउंट एवरेस्ट, केटू और कंचनजंगा। यदि भारत की पूछी तो केटू हमें पता कहां से है, केटू हमारी लद्दाख राज्य में है। कंचनजंगा हमारी किस राज्य में है? सिक्किम में। और नंगा पर्वत हमारा जम्मू कश्मीर। एवरेस्ट हमें पता कहां से है? नेपाल। केटू हमारी लद्दाख और कंचनजंगा हमारी सिक्किम। ये तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी होगी और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी।
इसके बाद इस वरद हिमालय में कुछ ग्लेशियर भी स्थित है हमारे। क्या वरद हिमालय में कुछ ग्लेशियर भी स्थित है, जैसे उत्तराखंड में, उत्तराखंड के ग्लेशियर ध्यान रखना इस प्रकार से आपको, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर और मिलन ग्लेशियर, गंगोत्री, यंगरोती, मिलम और सतोपत। गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर और संतोपत ग्लेशियर, ये कहां से हमारे उत्तराखंड में, किस श्रेणी में, वरद हिमालय के। और जम्मू का इसमें सिक्किम राज्य में ग्लेशियर है जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? जेमू ग्लेशियर। तो जेमू ग्लेशियर किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में है। और गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलम और संतोपत ग्लेशियर किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। ये क्या थे हमारे ग्लेशियर थे। आई होप आपको भारत के हिमालय के बारे में दो श्रेणियां आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आज की क्लास में हमने ट्रोन्स हिमालय और वरद हिमालय की चर्चा की। अगली क्लास के अंतर्गत हम आपको लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय और पूर्वोत्तर भारत में हिमालय का विस्तार कहाँ तक है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो भी बताना और अच्छी नहीं लगी तो भी बताना। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।